अस्सलामुअलैकुम। अजू की वीडियो में बह अहम खबरों, सिंध के मुलाजमन लाए ग्रुप इंश्योरेंस बाबत सुठी खबर, सिंध सरकार पारा फौती कोटा तहत नौकरियों की मंजूरी। 10 नवंबर 2021 ते सिंध हाई कोर्ट अहम तारीखी फैसलो बुधायो, सिंध सूबे के सरकारी मुलाजमन लाए इंतहाई अहम सुठी खबर। सिंध हाई कोर्ट सरकारी मुलाजमन की ग्रुप इंश्योरेंस रकम अदा करण जो हुक्म दई छोड़ो। ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी मुतलिक दरख्वास्त ते समात थी। दरख्वास्त गुजार के वकील चयो त बेन सूबन में रिटायरमेंट के वक्त ग्रुप इंश्योरेंस रकम अदा कई वे थी, पर सिंध में रिटायर्ड मुलाजमन के भी 65 साल तक इंतजार करण पवे तो। अदालत स्टेट लाइफ ते कावड़ जो इजहार कयो। जस्टिस सलाउद्दीन पवार रिमार्क्स दिना त 2.5 अरब की रकम रखी भी तव अदायगी ना करो। सूबाई सेक्रेटरी फिनांस बुधायो त 5000 मुलाजिम जेके वफात करे विया आहिनि उन्हनि जे वारसनि खे बि अञा इंतज़ारु पियो करायो वञे। अदालत हुकुम ॾिनो त सिंध हुकूमत बि ॿियनि सूबनि वांगुरु कानून में तरमीम करे जीअं मुलाज़िमनि खे उन्हनि जो हक़ यानी ग्रुप इंश्योरेंस रिटायरमेंट वक़्तु ॾिनी वञे। अदालत अदायगियुनि जे तरीक़ेकार खे बि आसान बनाइण ते ज़ोर ॾिनो। ॿी बि अहम ख़बर त सिंध सरकार मुख़्तलिफ़ खातनि में फौती कोटा तहत 236 वधीक नौकरियूं ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे, जंहिंखां पोइ इन वक़्त ताईं मंज़ूर थियल नौकरियुनि जो तइदादु 7013 थी वियो आहे। इजलास चीफ सेक्रेटरी सईद मुमताज़ अली शाह जी सदारत हेठि थियो, जंहिंमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरीस, सीनियर मेंबर ऑफ रेवेन्यू बोर्ड ऐं ॿियनि खातनि जे सेक्रेटरीस बि शिरकत कई। इजलास दौरान ॿुधायो वियो त मुख़्तलिफ़ खातनि में 236 नौकरियुनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे, जंहिंमें सिहत खाते में 19, रेवेन्यू खाते में 11, बलदियात खाते में 31, स्कूल एजुकेशन खाते में 74, वर्क सर्विसिज़ में 4, एक्साइज खाते में 2, खुराक खाते में 1, कॉलेज एजुकेशन खाते में 15, कानून खाते में 2, आबपाशी खाते में 45, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते में 3, कोऑपरेट खाते में 2, मेहनत खाते में 2, सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 9 ऐं ज़राइत खाते में 12 नौकरियूं ॾिनी वेंदियूं। यादि रहे त फौती कोटा तहत हाणे मंज़ूर थियल नौकरियुनि जो तइदादु 7013 थी चुको आहे। वधिक तैलीम खबरन ऐं मालूमाती वीडियोज़ लाइ असां चैनल ई फॉर एजुकेशन खे सब्सक्राइब करे बेल आइकन ते क्लिक कजो, जीअं ईंदड़ वीडियोज़ जा नोटिफिकेशन बि तव्हां ताईं पहुचंदा रहनि।